भिलाई भट्टी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर महादेव आईडी के नाम पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश के शिमला में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार कर सेक्टर 1 स्थित अंबेडकर गार्डन में दबिश देकर गार्डन के एक किनारे बैठकर ऑनलाइन सट्टा खिला रहे 3 आरोपियों नखिल मिश्रा, विवेक शास्त्री व अमित सिंह को घेराबंदी कर पकड़कर इनके पास से 2 नग लैपटॉप, 1 नग टैबलेट, 5 मोबाइल, 2 एटीएम कार्ड और 1 चेकबुक जब्त किया है। मामले का खुलासा SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने किया है। महादेव बुक ऐप के ऊपर दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में उनके 13वें ब्रांच को जो शिमला में ऑपरेट हो रहा था उसको दुर्ग पुलिस ने ध्वस्त किया है। इसमें अभी 3 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2 लैपटॉप और 1 आईपैड और 5 मोबाइल जो है जब्त किया गया है। उनके पास बैंक अकाउंट पर 1 महीने में 40 लाख का ट्रांजेक्शन जो है पाया गया है। ये लोग साथ में कमीशन में आईडी बांटा भी करते थे, 20,000 कमीशन लेके 6 लाख में आईडी बांटा करते थे। इनके द्वारा पासपोर्ट भी दुबई भेजने के लिए बनवाया जाता था। इनके से पूछताछ में कुछ अहम सुराग मिले हैं। जल्द ही और भी ब्रांचेज जो है बस्ट किए जाएंगे। दुर्ग पुलिस को करीब 40 ब्रांच की जानकारी मिली है, उनके ऑपरेटर्स की जानकारी मिली है। आने वाले समय में उनके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। 16 किलोमीटर दूर लिया था, 2.5 लाख के रेंट में लिया था, जिसमें ये लोग 5 लोग रहते थे। वहाँ पे आसपास लोग पुलिस के साथ ही समन्वय की बात ये बता रहे हैं, क्योंकि इसीलिए भिलाई छोड़ के अननोन जगह पे जा रहे हैं जहाँ पुलिस को अभी महादेव ऐप आईडी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वहाँ पुलिस की अनियमितता का फ़ायदा उठाकर ये लोग खुलेआम जो है इस तरह का महादेव ऐप चला रहे हैं। लगातार